कैसे ट्वीट किया है माने बिल्कुल सच्चे गांधी जी हैं वे। ओहो, हमने तो कोई गलती नहीं की, हम सत्य के साथ लड़ रहे हैं। ना तो ये संयोग है ना प्रयोग है, ये है दुरुपयोग। देश में बलात्कार के मामलों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अभी चित्रकूट की खदानों में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया और मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि अनियोजित लॉकडाउन में भूख से मरता परिवार, इन बच्चियों ने जिंदा रहने की ये भयावह कीमत चुकाई है। क्या यही है हमारे सपनों का भारत? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे सपनों का भारत तो कतई नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह का सवाल वो शख्स उठाए जो खुद इस तरह के आरोपों के घेरे में आ चुका हो तो बात हजम नहीं होती। 2007 का वो मामला जो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी दब गया, लेकिन शनिवार को एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव बल्लभ के बीच बहस इस पुराने रेप केस पर अटक गई। दरअसल डिबेट में राजीव गांधी फाउंडेशन में सोनिया गांधी की भूमिका पर आरोपों को कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ खारिज करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह को लपेटे में ले लिए और उनकी तुलना रेपिस्ट अपराधी जोड़ी रंगा बिल्ला से कर दी, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता को करारा जवाब दिया और कांग्रेस प्रवक्ता को सुकन्या देवी रेप केस याद दिला दिया, जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आरोपित थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी और उनके दोस्तों पर यूपी के एक स्थानीय कांग्रेस नेता की बेटी सुकन्या देवी के साथ 2006 में अमेठी में बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। शुरू में इस आरोपों को कई ब्लॉगर्स द्वारा उठाया गया था। सुकन्या बलराम सिंह नामक कांग्रेस कार्यकर्ता की बेटी थी जो राहुल गांधी की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। 3 दिसंबर 2006 को जब राहुल गांधी अमेठी गेस्ट हाउस में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे तो वह उनसे मिलने के लिए वहां गई थी, जहां राहुल गांधी और उनके सात दोस्तों ने उसका कथित तौर पर बलात्कार किया था, जिनमें से दो ब्रिटेन के थे और दो इटली के थे। इस घटना के बाद सुकन्या भाग निकली। उसके बाद सुकन्या देवी अपने पिता बलराम सिंह और मां के साथ सोनिया गांधी से मिली, मगर उसके बाद उसका पूरा का पूरा परिवार ही लापता हो गया। आरोप यह भी है कि ध्रुपद नाम का वीडियोग्राफर और एक न्यूज चैनल का एक कैमरामैन, जिन्होंने सुकन्या का बयान रिकॉर्ड किया था, वो भी लापता हो गए। उस समय इन आरोपों को मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। केवल कुछ सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा इसे उठाया गया, लेकिन जब 2011 में सपा विधायक किशोर समरते ने इसे उठाया तो मीडिया को इसकी रिपोर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। समृति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मामला भी दायर किया, लेकिन अदालत साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने समृति पर ही 50 लाख का जुर्माना ठोक दिया और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद किशोर समृति सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 6 अप्रैल 2012 को कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर राहुल गांधी को इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया। इस दौरान गजेंद्र पाल नामक एक अन्य व्यक्ति ने बलराम और सुकन्या के दोस्तों के रूप में अदालत में एक और याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि समृति ने एक झूठी याचिका दायर की थी जो राजनीति से प्रेरित थी और उसके खुलासों ने केस को पलट कर रख दिया। उसने बताया कि सुकन्या नाम से जिस महिला का नाम प्रचारित किया जा रहा है उसका असली नाम कीर्ति सिंह है। उसके बाद कीर्ति सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने कहा कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है और राहुल गांधी निर्दोष हैं। इसके बाद शीर्ष अदालत ने भी 2012 में राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। तो ये है पूरा मामला, ये कितना सच है और कितना झूठ, सुकन्या है या कहीं लापता हो गई, ये तो पता नहीं, क्योंकि सच तो सबूत मांगता है और साक्ष्यों के अभाव में राहुल गांधी आरोप मुक्त हो चुके हैं।